बाहुबली, KGF और पुष्पा जैसी साउथ की फेमस फिल्मों के बारे में तो सभी को मालूम है, पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 अंडररेटेड मूवीज फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, जो काफी बेहतरीन होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं है। इस लिस्ट में मौजूद कई सारे फिल्में तो बाहुबली और पुष्पा से भी ज्यादा बेहतर है, तो आपको अगर टॉप 5 अंडररेटेड मूवीज के बारे में जानना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। इस लिस्ट में जिस फिल्म को मैंने 5वें नंबर पर रखा है उसका नाम है जनाथा गैरेज जूनियर NTR स्टारर। ये फिल्म काफी अच्छी है और एक्शन से भरी इस फिल्म में ह्यूमर एंड इमोशंस का काफी अच्छा डोज डाला गया है, जिसे देखते हुए आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। लिस्ट में 4th पोजीशन पर मैंने जिस फिल्म को रखा है उसका नाम है हृदयम। एक कॉलेज के लड़के की ये कहानी आपको खुद के कॉलेज की याद ताजा करा देगी। बेहतरीन गाने और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी देखने का मन है तो आप ये फिल्म जरूर चेकआउट करें। लिस्ट में 3rd नंबर मैंने जिस फिल्म को रखा है उसका नाम मिन्नल मुरली है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में इससे ज्यादा बेहतरीन सुपर हीरो फिल्म अभी तक नहीं बनी है तो उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। रिलेटेबल कैरेक्टर्स और एक शानदार स्टोरी लाइन के साथ बनाई गई इस फिल्म के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, और इस वीडियो से पहले आपको भी इस फिल्म के बारे में नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिस्ट में 2nd नंबर में मैंने जिस मूवी को रखा है उसका नाम कलर फोटो है। तेलुगु भाषा की इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अगर एक हार्ट ब्रेकिंग हार्ड हिटिंग फिल्म देखने का मन है तो इस फिल्म को जरूर चेकआउट करें। अब हम इस लिस्ट के आखिरी नाम तक पहुंच चुके हैं और टॉप 5 अंडररेटेड साउथ मूवीज की लिस्ट में पहले नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम जाति रत्नालु है। तेलुगु भाषा की यह फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा है, जिसे देखते देखते आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे, और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये थी मेरी टॉप 5 अंडररेटेड फिल्में। इनमें से कौन कौन सी फिल्में आपने पहले से देख रखी है कॉमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।